स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, एक खबर आपको समर्पित है। पहले तो आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसा लगा आपको जब एक महिला शिक्षिका आपके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। दिल में कुछ तो चुभा होगा, शायद थोड़ा आपको बुरा भी लगा होगा। आप महिला शिक्षिका को कह भी रहे हैं गलत बात। महिला अपनी विधा बता पाती कि उससे पहले आपकी सिक्योरिटी उसे खदेड़ कर ले गई। आपसे कहें तो क्या कहें, पहले आपने अभिभावकों को कहा था मर जाओ, अब एक शिक्षिका आपके पैरों में गिर पड़ी। मंत्री जी, ना तो आप अभिभावकों को समझना चाहते हैं, ना आपको शिक्षकों की व्यथा समझ आ रही है। हो सके तो इनके 3 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दीजिए, किसी का तो भला हो। तो मंत्री जी, देखा आपने कैसे एक महिला अपनी व्यथा आपको बताना चाहती थी, मगर आपकी सिक्योरिटी उसे खदेड़ कर ले गई। मंत्री इंदर सिंह परमार जी, तस्वीरें देखकर हर कोई बस यही सोच रहा है कि कितनी मजबूर होगी वो महिला जो आपके पैरों में गिर पड़ी। खैर मंत्री जी, महिला शिक्षक की बात आप तक पहुंची कि नहीं, लेकिन हम आपको बता दें, ये महिला शिक्षक जो शिक्षा मंत्री जी आपके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही है, वो 3 साल पहले शिक्षिका के पद पर चयनित शिक्षिका है और 3 सालों से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रही है। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे बैतूल पहुंचे शिक्षा मंत्री के सामने महिला शिक्षकों को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बैतूल में आयोजित अन्न उत्सव में शामिल होने शिक्षा मंत्री पहुंचे थे। वहां नियुक्ति की मांग को लेकर एक शिक्षिका मंत्री इंदर सिंह परमार के पैरों में गिर पड़ी। इसके बाद रोते हुए जल्द ज्वाइनिंग कराने की बात कहने लगी कि 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग करा दीजिए। वहां और भी शिक्षिकाएं थी जिनका कहना था कि वेरिफिकेशन के 3 साल बाद भी अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उनका कहना था कि 2018 में उनका वेरिफिकेशन हुआ था, इसके 3 साल बाद तक नियुक्ति नहीं दी गई। हालांकि आयोजन स्थल पर पहुंचे शिक्षा मंत्री के सामने चयनित शिक्षिकाएं जब आई तो उन्हें देखकर शिक्षा मंत्री समस्याएं सुनने आए थे। इस बीच चयनित शिक्षिका शारदा जावलकर हाथ जोड़कर रोते हुए मंत्री जी के पैरों में गिर पड़ी। इससे वहां हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और भाजपा जिला अध्यक्ष ने उन्हें उठाया। मंत्री जी ने महिला को गलत बात कहकर समझाया भी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।